हम अभी आदित्यपुर रेलवे स्टेशन जमशेदपुर में हैं और यहाँ आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जो आपको आपके हृदय को तकलीफ़ देगा, आपके मन को तकलीफ़ देगा। हमें बहुत तकलीफ़ भी देखकर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग से भी शेयर करूँ। देखिए, ये हैं हम बिल्कुल आदित्यपुर रेलवे स्टेशन में और एक बिल्कुल फुल फ्लेज्ड ग्रोन ट्री, पूरी तरह से विकसित पेड़, आम का ये पेड़ किस तरह से ज़मीन पे धराशायी है। देखिए, ऐसे पेड़ को बढ़ने में कम से कम 15 साल, 10 साल से नीचे नहीं लगता, उससे भी ज़्यादा ही, लेकिन कम। ये कब, ये रेलवे का ये जो एरिया है, जब डेवलप हो रहा होगा शुरुआत में, उस समय ये बनाया गया, और इस समय ये उगा होगा, उस समय लगाए गए होंगे। आज देखिए कितने सुंदर साइज शेप पे जब पहुंच गया है पेड़, आज इसको जड़ से ही काट दिया गया है। बहुत बहुत दर्दनाक है यह सीन, अच्छा नहीं लगता। हो, ये एक नहीं, कई हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दूसरा, ये जामुन का पेड़ है, छोटी वाली जामुन है। देखिए कितने बेहतरीन पेड़ को, और ये तोड़ा हुआ जो है, ये काटा हुआ कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बिल्कुल फल ताजे हैं और बहुत दर्दनाक है। फल अभी मीठे हो ही रहे हैं और इसको काट के गिरा दिया गया। ये भी एक बहुत विशालकाय पेड़ है, देखिए इतने बड़े पेड़ को उगाने में तो 15 साल 20 साल लगते हैं, लेकिन काटने में आज की टेक्नोलॉजी में 15 मिनट भी नहीं। 15 साल का जो मेहनत है, त्याग है, तपस्या है पेड़ों का, जिसको ये लगाने वाले हैं उनका, ये सब कुछ पल भर में ख़त्म हो जाता है। ये है नीम का पौधा, नीम का पेड़, पौधा कहना सही बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरी तरह से बड़े हुए हैं। कोई छोटा होता तो कोई बात होती, ये बड़े बड़े हैं। देखिए, हाय रे भगवान, कितना विशाल का नीम का पेड़ जमीन पे गिरा पड़ा है। ये पेड़ सब क्यों काटा गया अंकल जी? ये रेलवे का क्वार्टर बनेगा, क्या बनेगा शायद? अच्छा अच्छा बहुत सारा पेड़ काट दिया गया है। कब कटा है ये? कब कटा पता है? आजकल में ही, कल ही कटा है ये पेड़। अच्छा, बेल का पत्तर ले रहे हैं अंकल जी, पूजा है क्या आज? अच्छा अच्छा हाँ, चलिए बहुत अच्छा, अच्छी बात है। तो कल ही कटा है ये पेड़, सुनने में आता है जैसा बोल रहे हैं कि काटने का वजह है कि यहाँ पर रेलवे के क्वार्टर बनने वाले हैं, रेसिडेंशियल क्वार्टर। बारिश हुई है तो पूरा मिट्टी जो है वो फिसलन भरा है, और झारखंड का मिट्टी तो पहले से कंकड़ पत्थर से बना है, तो ये बहुत आसानी से भसकता, आसानी से गिरता है। देखिए, ये है कुछ और पेड़ जो विद इन 2 डेज, कल और आज के बीच में काटे गए हैं। ये हृदय विदारक, दिल को थोड़ा ठेस पहुंचाने वाला दृश्य। देखिए कितनी सुंदर, कितना बेहतरीन लकड़ी, इतना सुंदर पेड़ कैसे धराशायी हो गया है। ये ट्रंक देखिए कितना विशाल का है, ट्रंक है कितना विशाल का है, तना है। ऐसा तना को होने में कितने वर्ष लगते हैं आप सोचिए। पेड़ के तना को देख के ही एक
दिल बैठा सा लगता है। देखिए कितना कितना विशालकाय पेड़ है और कैसे जमीन पर पड़ा हुआ है। देखिए पीस पीस करके रख दिए हैं लोग। 2021 ये बहुत मॉडर्न एज पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पर पर्यावरण क्या है, जंगल क्या है और इनका क्या महत्व है जिंदगी में, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। ये कोई हम लोग पास्ट जमाने में तो जी नहीं रहे, इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी इस ज़माने में भी इतने बड़े बड़े पेड़ को संरक्षण नहीं दिया जाता और सिर्फ क्वार्टर बनाने के लिए इन्हें तोड़ दिया गया। क्या क्वार्टर में ही ये पेड़ अंदर नहीं रह सकते थे? मुझे पता नहीं क्या है अंदर का बात, लेकिन आप लोग से जानना चाहूँगा कि क्या ये सही है और क्या इसका कोई अल्टरनेट उपाय नहीं था? क्वार्टर ही अगर बनना है तो क्या इन पेड़ों को उस क्वार्टर इस तरह से बना करके कि उसके बरामदे में, उसके आंगन में ये पेड़ रहे, इस तरह से एडजस्टमेंट नहीं की जा सकती थी? क्या एक ही उपाय बचा हुआ था कि इनको तोड़ करके, काट करके इस तरह से बर्बाद कर दिया जाए? ऐसे पेड़ बनने में कितने वर्ष लगेंगे वापस से सोचिए, जब पूरी दुनिया आज जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और क्या क्या नहीं कर रही है। हजारों करोड़ों के कॉन्फ्रेंस होते हैं, अरबों रुपए पास होते हैं इस काम के लिए, और जब ग्राउंड लेवल पर देखिए तो ग्राउंड लेवल पर देखिए कि कैसे पर्यावरण संरक्षण करने के वादा तो करते हैं लेकिन उसका जो सबसे मूल आधार है ये है पौधे, ये पेड़। इतना सुंदर कलर देखिए, कितना सुंदर है इस लकड़ी का, इस पेड़ का कलर कितना महान, कितना सुंदर। हमारा जीवन इनसे कनेक्टेड है, ये बात हम लोग भूल जाते हैं। ये जीवन पेड़ों के बगैर कल्पना नहीं की जा सकती, बट ये कल्पना कुछ लोगों में शायद नहीं है कि पेड़ किस लिए महत्वपूर्ण है। मैं भी इतना जानकार नहीं हूँ कि किस समस्या से ये काटा गया। हो सकता है समस्या बहुत जरूरी हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो एड्रेस करना, और उसका कोई और अन्य विकल्प ना हो। कुछ ऐसा हो जो परेशान है कि ये भी चाहते होंगे कि नहीं काटा जाए, तो हम अपनी भावनाओं के अनुसार दूसरे के भावनाओं को सोचे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ हो सकता है उनके साथ भी समस्या हो, और क्या समस्या है ये हमें तो पता नहीं है पूरी तरह से। जैसा ये सुनने में आया रेसिडेंशियल क्वार्टर बनते हैं तो सारे फल लगे के लगे ही रह गए, ये है इसके फल, सारे फल लगे रह गए। अब फल जो हैं पहले होंगे अच्छे खासे ताजे कठोर, अब मुलायम से पड़ रहे हैं, धीरे धीरे इनसे भी प्राण निकल रहा है, ये भी ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। अपूर्णीय क्षति जो बोलते हैं वही हुई है, इसको पूरा नहीं कह सकता। हाँ कुछ एक्सक्यूजेस, कुछ रीज़न, कुछ कारण दिए जा सकते हैं। हाँ जो कारण होंगे वाजिब भी होंगे, जेन्युइन होंगे, जेन्युइन कारण होंगे, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जेन्युइन नहीं होंगे। कुछ ना कुछ तो परेशानी रही होगी जो काटे गए हैं, लेकिन एज अ पर्सन बुरा लगता तो है। चलिए कुछ ऐसे ही आसपास में जो भी चीज़ें घटती है, कुछ हृदय को खुशी देती है, कुछ हृदय को दुख, अत्यंत दुख देती है, कुछ इसी तरह से चीज़ों को मैं
कोशिश करता हूँ कि लोगों तक पहुँचे, हमारे आपके तक पहुँचे, इसलिए वीडियो बना के डाल दी गई। ये बेल का पेड़ है, वो बेल का छोटा सा फल था, देखिए बेल लगे हुए हैं। और अब ये बेल रहा नहीं, चलिए ये है। उम्मीद है कि जो इन्हें प्लान करने वाले लोग हैं, इन्हें सोचने वाले लोग हैं, ज़रूर सोचे कि क्या कोई अल्टरनेट तरीका है जिसमें इनको बचाया जा सके। एक पौधा लगाना और एक फुल फ्लेश्ड पौधे को काटना बहुत बड़ा नुकसान है ये, और इसके आप भरपाई में पौधे लगा दें, आप सिर्फ पौधा 1,000 भी लगाइए लेकिन आपको 15 साल देना पड़ेगा। ये 15 साल की क्षति है, 20 साल की क्षति है, आप इसको पूरा नहीं कर सकते, बहुत बड़ा लॉस है ये। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि कैसे तो कैसे भी इन पौधों को, आज तो नई नई टेक्नोलॉजी आई है, पौधे को शिफ्ट किया जा सकता है, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्टिंग कर देते हैं, उखाड़ के जड़ सहित दूसरे जगह प्लांट कर दिया जाता है। क्यों ये टेक्नोलॉजी ये लोग नहीं लगाते? ज़मीन में कितने हज़ारों पेड़ जो हैं जड़ सहित जो है उसको शिफ्ट के करने का, जो बहुत जगह पर देखे नई नई टेक्नोलॉजी है, जड़ सहित उखाड़ते हैं, कहीं दूसरे जगह गड्ढे में उसको शिफ्ट कर दी जाती है। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी है तो फिर इसका इस्तेमाल यहाँ क्यों नहीं किया जाता? इतने बड़े बड़े पेड़ों को ऐसे काट के क्यों नीचे गिरा दिया जाता है? क्या है, कोई इसका देखने वाला सुनने वाला नहीं है? पेड़ों को काटने से पहले एक बार इन नए टेक्नोलॉजी के बारे में सोचे, कुछ नए गतिविधियों के बारे में सोचे। ये अरे अंतिम विकल्प होना चाहिए काटना, अंतिम विकल्प। क्या हमारे पास कोई विकल्प नहीं था? जड़ से हम किसी को, बहुत जगह पर जगह खाली है आपके लिए, वहाँ शिफ्ट हो जाता। सरकार की ज़मीन में कमी है क्या? सरकारों की ज़मीन में जमीन ही जमीन है, लेकिन सबसे पहले ये पेड़ काटे गए हैं। फिर से ये एक्सक्यूज़ क्या है, इनका क्या रीज़न है, हमको पता नहीं है, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। हो सकता है अब हम इस एरिया से निकल गए, इस एरिया में ही पेड़ कटे हुए थे। ये एरिया है आदित्यपुर रेलवे स्टेशन, देखिए रेलवे स्टेशन का भवन है, ये नवनिर्मित हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है, और अच्छी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, अच्छे भवन, अच्छे ऑफिस, अच्छे कार्यालय बनने चाहिए। लेकिन क्या इसकी कीमत ये होगी? इसकी कीमत ये पेड़ होंगे, और ना जाने कितने पेड़ कटे होंगे, मैं जानता भी नहीं। हम सिर्फ एक एरिया में भी हैं, और करंट ज़माने के जो टेक्नोलॉजी हैं, जो सुविधाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उसमें इनको बचाया जा सकता था, बिल्कुल बचाया जा सकता था, और बचाकर पौधों को दूसरे जगह शिफ्ट किया जा सकता था। कई पौधे किए जाते हैं, आप देखो कई एक्टिविज्म होते हैं जब किसी भी पौधे काटने के खिलाफ, तो उसको क्या किया जाता है, उनको फिर से वापस रीइंस्टॉल किया जाता है, रीप्लांट किया जाता है कहीं दूसरे जगह पर, उनको जड़ सहित कबाड़ा जाता है और उसके बाद इसको लगाया जाता है। तो ये काम हर जगह करना चाहिए, ये काम क्यों नहीं करते? ये काम तो सर्वोपरि है भाई, आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना शिफ्टिंग तो कर दो। कुछ पेड़ जीवित हैं, इनके लिए ममता है, दया है एक तरह का, पता नहीं कब किसी इंसान के हत्थे चढ़ जाए, कब कौन सा काम आ जाए। फिर ये भी अपना इतना भला पूरा जो इनका साइज है, सेप है, इतने वेल ग्रोन हैं, इतने अच्छे से विकसित हैं, कब ये सारा चीज़ बर्बाद हो जाए, कब ये ज़मीन पे पड़े हुए दिखे, इसका कोई गारंटी नहीं है। उम्मीद है कि ये सब ठीक हो जाए।
Thank you.